गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बी एच ओ स्ी कैपिटल आपका बहुत बहुत स्वागत है बी एच ओ स्डी कैपिटल पे तो चलिए अपन आपकी आज नेक्स्ट क्लास है है ना मतलब जीके जैसी क्लास है लेकिन आज थोड़ा सा अपडेट हो गया है मतलब ऐप में अपडेट आता है ना तो आज बाहुबली 2.0 आ रहा है ठीक है पहले कौन सा पहले कटब्बा वाला नहीं पहले अमरेंद्र बाहुबली था कि पहले कौन सा बाहुबली था तो आज अपन अमरेंद्र बाहुबली बन गए हैं ठीक है थोड़ा सा आज अपन का लेवल अपग्रेड हो गया है ठीक है आज बाहुबली टू पॉइंट जीरो चल रहा है आज अपन अमरेंद्र बाहुबली है तो आप लोग भी कटप्पा का, का काम ना करें सही आंसर देंगे है ना भाई इसको रख दीजिए ठीक है जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ ठीक है सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ कमेंट आने से पहले लाइक कर दिया करो आपका अटेंडेंस वहीं चेक होता है ठीक है तो रोज का अटेंडेंस है सौ बच्चे और बाकी नौ सौ बच्चे फर्जी आ जाते हैं ठीक है थीके? उनका मतलब आए गए कुछ काम वाम नहीं क्योंकि वो लोग लाइक नहीं करते हैं ना आप लोगों के एक लाइक से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे मिल जाता है कमेंट करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है तो आप लोग कर दिया करिए ठीक है यहाँ सामान फैला हुआ है तो उसको सेट कर लेते हैं अपन गुड इवनिंग सर सर आप भी हिस्सेदार हैं तरक्की की गुड इवनिंग सर ओके सर जी हर हर महादेव गुड इवनिंग सबका बहुत बहुत स्वागत है केवल छब्बीस लोग जुड़े हो आज टू शुरू करना है अभी छब्बीस लोग जुड़े हो ये कौन सी बात है अच्छा नहीं फिफ्टी सिक्स लोग वॉचेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है मेरे से सी यू टी बी एच ओडिकल एकदम फायर लगा दिया है आग लगा देंगे नहीं आग आग तो नहीं लगाएंगे पेपर एकदम तोड़ देंगे ठीक है आग आग मत लगाना वैसे भी इस समय जब से अग्नि भी अग्निपथ थी माई है तो आग आग बहुत लग रही है गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैंने पी डी में आपको दिला दिया पी डी आपको चैनल में दिला दिया कम्यूटी में दिला दिया टेलीग्राम में दिला दिया फिर भी कुछ लोगों को पी में दिक्कत है ठीक है तो अब आप लोग एकदम दिल थाम के बैठिए आप आज देखने वाले हैं कि पीडीएफ कैसे निकाला जाता है ठीक है दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम लोग आज पता करेंगे कि कैसे कम्यूटी से पीडीएफ को फाइंड किया जाता है ठीक है तो सबसे पहले आपको बहुत ही कष्ट लेके आपको आना होगा यूट्यूब में ठीक है यूट्यूब में आना होगा होगा, सर्च करना होगा। दिखेगा, फिर उसमें study इसको ऐसे करेंगे इसको टच करने के बाद आपको यहां पे होम दिख, दिख, पे दिख, दिख रहा है यहां वीडियो दिख रहा है यहां पे कम्युनिटी दिख रहा है ये कम्युनिटी पे आपको इस कम्युनिटी पे आना है कम्युनिटी पे आते ही सबसे पहले पे लिखा हुआ है लाइव सेशन जीके जीएस इंपॉर्टेंट पीडीएफ एक दो तीन पीडीएफ आप लोगों को डाल दी गई ठीक है तो इतना मुश्किल काम आप लोगों को करना है ये मुश्किल काम आप लोगों को मतलब बहुत ही तपस्या लगेगी इतना मुश्किल काम करने के लिए ठीक है तभी आप लोग इतने परेशान हुए हैं लेकिन तपस्या करनी पड़ेगी अगर पीडीएफ माना है आप लोगों को ठीक है तो ऐसे आपको पीडीएफ मिलेगा ऐसे आप खोज करेंगे पीडीएफ की तो यहां पे अब आपको ऐसे पीडीएफ मिलेगा ठीक है अब कोई डाउट है मैंने लेक्चर में आके बता दिया कैसे पीडीएफ करेंगे ठीक है

ठीक है तो इतना कष्ट आप लोगों को करना पड़ेगा ये देखिए पीडीएफ खुल गई ये देखिए पीडीएफ खुल गई अपन की और ये आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ये आप लोगों को क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे ठीक है अब पीडीएफ में कोई दिक्कत है? तो बताओ ठीक है अब पीडीएफ में कोई दिक्कत होगी और ये क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए ठीक है उसको अच्छे से देख लो जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत लोग जुड़ गए हैं तो आप लोगों को बता दे क्रैश कोर्स हमारा आ चुका है बहुत कम टाइम है आपके पास मैं एक चीज साफ साफ कह देता हूं अगर तैयारी बहुत अच्छी है तो क्रैश कोर्स ठीक है देख लो लेना है नहीं लेना लेकिन आ, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो पंद्रह दिन है तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज अलग से दी दी गई है है ठीक तो टेस्ट सीरीज आप लोगों टू फोर्टी नाइन रुपीज में दूसरी बात ध्यान रखना जो बच्चे क्रैश कोर्स लेंगे नाइन 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 का उनको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी ठीक है और अगर आपकी आपका तैयारी अच्छी खासी चल रही है बस हमको प्रैक्टिस करना है तो आपको टू फोर्टी नाइन रुपीज में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी लेकिन इसमें एक ऑफर है ये टू 249 में टेस्ट सीरीज उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो बच्चे पहले 50 होंगे मतलब पहले 50 बच्चों को दो सौ में हम टेस्ट सीरीज आपको लोगों को मिल पाएगी ठीक है उसके लिए तो कोड यूज करना पड़ेगा कोड क्या है सीयूटी फिर आगे 50 लिख देना ठीक है सीयूटी के बाद 50 लिख देना वही कोड है आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है उसको ध्यान रखना पीडीएफ में बहुत ज्यादा परेशान कर दिया ठीक है पढ़ाई ज्यादा आप लोग पीडीएफ के लिए परेशान थे तो पीडीएफ का मैंने सोल्यूशन बता दिया तो अब अब शुरू करते हैं अपन क्लास अब शुरू करते हैं अपन क्लास सर इतना मेहनत करना होगा हाँ इतना मेहनत करना होगा बताओ करना तो पड़ेगा भैया क्या कर सकते हैं आप है ना लॉर्ड्स ऑफ लाइक्स एंड लव यू सर बहुत बहुत थैंक यू अस्सी लोग आ चुके हैं ठीक है थीके? तो अपन जल्दी से टाइम नहीं बर्बाद करेंगे कुछ लोग कहेंगे सर आते ही बकाती शुरू कर देते हैं तो अपन बकाती नहीं करेंगे लेकिन आप लोग परेशान थे इसलिए मेरे को ये करना जरूरी पड़ा ठीक है तो अभी एकदम जो लोग भी ये देखेंगे वीडियो उनको पता चल जाएगा पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वहां से देख लेना और एक बार ध्यान रखना टाइम कम है ना तो मैं आप लोगों को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज दे दूंगा ठीक है मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पीडीएफ ये वाली है इसको कल ही अपलोड करा देंगे सुबह उसको अच्छे से पढ़ना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए थैंक यू भैया फॉर दिस फॉर्मेशन है ना इन्फॉर्मेशन नहीं अब मेरे को डर लग रहा है आप लोग इतनी मेहनत कर पाओगे कि नहीं ठीक है मेन दिक्कत तो इस बात किया है बाकी वो तब तो हो जाएगा चलो ठीक है अपन शुरू करते हैं आज पीडीएफ चेंज कर दिए बताना पीडीएफ कैसी लग रही है ठीक है कल इतना परेशान हो गए थे मैंने भी देखा तो सच में पीडीएफ मतलब बहुत छोटी थी ठीक है तो उसके लिए सॉरी तो दो लोग भाग गए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के लिए द इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल बेन्टिक था ऑकलैंड था मेडक्लेव था, था जल्दी बताओ और हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। आज थोड़ा सा पीडीएफ बड़ा कर दिया ठीक है थीके? तो पहले बताओ दो तो अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है और सब लोग एकदम हंस रहे हैं जी भर के चलो ठीक है ठीक है पीडीएफ देखना आ गया है ना कैसे करते हैं और बेब्र भैया से मैं कहूंगा कि जो मैंने रिकॉर्ड किया ना भी उसका एक शॉर्ट बना के डाल दें तो सब लोग अच्छे से देख लेना ठीक है चलो मजे करना बंद करो और अरे कंजूस भाइयों बहनों लाइक कर दो अब क्या बताएं कुछ लोग इतने कंजूस हैं कि अब कुछ कह ही कह ही नहीं सकते अब चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ मैं पानी पी लेता हूँ ठीक है इसका आंसर बताओ फटाक से और पानी एक दिन मैंने गिरा दिया था पता नहीं लगा बेबुल भैया को आज नहीं गिराएंगे ठीक है अच्छा <laughs> पता लगा था <laughs> नाइन्टी टू लोग लाइव आ चुके हैं चलो बहुत बहुत स्वागत है सबसे ज्यादा आप लोगों का जो जीके जीएस में दिखता है ठीक है कुछ कुछ में तो नाइन टू व्यूज नहीं है अपन लोग लाइव नाइन्टी टू पढ़ते हैं तो ये अपन का भोकाल है ठीक है चलो शुरू करते हैं विलियम बेंटिक सही आंसर है विलियम बेंटिक जो लोग कह रहे थे एकदम सही आंसर है विलियम बेंटिक ठीक है ये कल भी बता दिया था तो इतना कोई टैलेंट नहीं है तुम्हारा है ना कल आंसर मैंने बता दिया था जो लोग खुद से आंसर दे रहे हैं उनके लिए तालिया हो जाए अब विलियम बेंटिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ठीक है वो क्या इसी ने सती प्रथा को एबॉलिश किया था सही बोल रहा हूँ

प्रशासन हमको मदद करे हमको लूटने में और हमारी सहायता करें कौन लोग सहायता करें इंडियन लोग सहायता करें हमको लूटने में ठीक है तो इसका ध्यान देना है ठीक है एटीन में सही बोल रहा हूं मैं ठीक है ठीक है और इसने एक और काम किया था अच्छा काम किया था इसने सप्रेशन ऑफ इंफेंटिसाइड कर दिया था सप्रेशन ऑफ इसका मतलब बताता हूं मैं सप्रेशन ऑफ इनफेंटिस थी मतलब थी? पुरानी सोच के के चलती थी जिनके यहाँ लड़कियां होती जो बच्चे हैं उनको मारा नहीं जाए ठीक? इसके उप, इसके इसने थोड़ा बहुत काम किया था तो इसका एक दो ढंग का काम भी है और इसके ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट बात है ये सब तो हो गया अभी एक बात और ध्यान रखना ये विलियम पेंटी का टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है अपन का इसी के टाइम का एटीन ना फाइव का एक्ट आ गया था और ये पहले क्या था ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था मैं ठीक बोल रहा हूं ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये सब हो हो गया गया था था है ना 1833 के के एक्ट बाद क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक नया नाम दे दिया था उसका क्या नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना तो हम क्या कह सकते हैं कि विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था एकदम सही बात है अगर सही बात है तो हा करके जल्दी से बताओ यस सर ठीक है सबका बहुत बहुत स्वागत है और सर गोल गोल हो रहा है क्या गोल गोल हो रहा है सब तो सही है अच्छा आप लोगों का नेट नहीं चल रहा होगा अच्छा ज्ञान नेट नहीं चल रहा होगा थोड़ा सा किसी का वाई वाई फाई चुरा लो ठीक है मतलब किसी का हॉटस्पॉट छोटा भाई हो बहुत ही छोटा हो तो मार पीट के ले लो ठीक है मेरा भाई बहुत छोटा नहीं है तो मेरे को मार लेगा ठीक है विपुल सर को बता दिए थे अच्छा पानी वाला बता दिए थे तो ये वाली बात सही है अपन की ठीक है तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना विलियम बेंटिक के बारे में इंपॉर्टेंट है किसी से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि फीमेल एंड प्रिंट एंडफेंट आ जाएगा ये लास्ट गवर्नर जनल ऑफ इंडिया कौन था तो एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन टैकल कर लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल निम्नलिखित में से कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था मतलब किसने स्थाई बंदोबस्त शुरू कर दिया था सीधे सीधे आंसर है ठीक है जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा मेरे को गोल गोल समझ में नहीं आया में में हो हो तो गोल गोल लिखोगे तो मैं गोल गोल ही बोलूंगा ठीक है चलो सर टप्पू पप्पू की कहानी सुनाओ हाँ टप्पू पप्पू कहानी आज अपन कंटिन्यू रखेंगे ठीक है टप्पू पप्पू का बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री में तो उसकी कहानी कंटिन्यू रखेंगे ठीक है सर बाल विवाह को भी रोका था बाल विवाह के बारे में थोड़ा बहुत काम किया होगा लेकिन पर्टिकुलरली एक्ट नहीं लाया था ठीक है अब जैसे कि बहुत लोग आके अच्छी बातें करते हैं लेकिन जो लोग आगे बढ़ के काम करते हैं जैसे एक्ट ला दिया तो वो वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी जैसे कल बस एक बच्चा कह रहा था कि सर पहले कौन था थॉम रो आया था या विलियम हॉकिंस आया था तो उसके बीच में हमारे दोनों में फाइट हो गई थी कि सर में ये लिखा है लिखा होगा नो डाउट मैं मानता हूं ठीक है लेकिन पहला ईस्ट इंडिया कंपनी से जब क्वीन ने चार्टर दे दिया सोलह सौ सो में कि अब हाँ, यहां के जो इंग्लैंड के लोग हैं के अपना व्यापार कर सकते हैं जब वो चार्टर मिलने के बाद पहला मेंबर जहांगीर के कोर्ट में आया था जिसने अपनी वो ले ली थी कि हम सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे ठीक है अकबर के टाइम में भी आया था लेकिन उसको वो नहीं कह सकते ना कि ईस्ट इंडिया मेंबर का मेंबर था अब ऐसे तो इंग्लैंड से बहुत लोग आ रहे थे तो हम तो ये नहीं कह सकते ना जैसे कि और भी बहुत लोग आए थे स्टारबो आया था ये सब आए थे

इसने जुडिशियर रिफॉर्म लाए थे इंडिया में ठीक है इसने जुडिशियर रिफॉर्म ला दिए थे है ना? इसने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश ने क्या किया जमींदार है ना उनको पकड़ लिया उनको बोला तुम टैक्स वसूल के लाओ हमको लेना देना है तुम हमको आके टैक्स ले दो ठीक है तो जैसे ब्रिटिश ने टैक्स रखा था दो रुपए तो जमींदार क्या करते थे वो टैक्स वसूलते थे चार रुपए दो सौ रुपए खुद रखते थे और दो सौ रुपए विद्रोह हुआ, विद्रो हुआ। मतलब इसके बहुत सारे रीजन थे लेकिन एक छोटा सा रीजन ये भी था ठीक है सर सुनने में आया था कि आप गाना बहुत अच्छा गाते नहीं नहीं, नहीं बहुत गलत सुनने में आया था एकदम टोटल गलत न्यूज है ठीक है मैं गाना खाना बिल्कुल नहीं गाता हूँ और एक और बात ध्यान रख लेना इसके बारे में कौन के बारे में एक और चीज ध्यान रख लेते हैं इसने थानाज अपॉइंट किए थे थानाज मतलब क्या होता है हिंदी नाम है पुलिस स्टेशन का इसने थानाज अपॉइंट किए था इसने एसपी की पोस्ट बनाई थी एसपी का जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ना कि हम एसपी बनेंगे डीएसपी बनेंगे तो इसमें कह सकते हो कि इसने एसपी की पोस्ट बनाई थी कौन ने यह काम शुरू किया था इसके बारे में चारों चीज इंपॉर्टेंट है ठीक है

इसके इसी हा सिविल सर्विस था ठीक है सर आप इतना सब कैसे याद रखते हो इतना सब इसलिए याद रख सकता इसका एक मेन रीजन है कि मैं आप लोगों को आके पढ़ाता हूं ठीक है मैं खुद भूलता हूं ना तो तुम लोगों को पढ़ाता हूं तो मेरे को ध्यान आ जाता है जो मैं भूलता हूं तो इसका मेन रीजन ये तो तुम लोग भी जब आना ना लाइब्रेरी सॉरी लाइब्रेरी नहीं बोल रहा हूँ जब कॉलेज आना तो रोज पढ़ाई क्या करना तो तुमको भी एकदम पूरा याद हो जाएगा तो ठीक है इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ इसका फटाक से आंसर बताओ ठीक इसका फटाक से आंसर बताओ मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के ठीक है वर्ना कुलर प्रेस एक्ट ठीक है मैंने ये भी बताया था किसने लाया था मैंने ये भी बताया था किसने हटाया था मैंने दोनों चीजें बताई थी आप लोगों को एक क्वेश्चन लाने से पहले आंसर बताया था तो मैं चेक कर रहा हूं कितने तो लोग ध्यान से वीडियो देखते हो चलो ठीक है एकदम सही आंसर दे रहे हो गलत आंसर दे रहे हो एकदम सही आंसर दे रहे हो लिट्टन ठीक है हाँ लिटन ने लाया था एक्ट वर्नाकूल प्रेस एक्ट वर्ना मैंने आपको क्या था बताया था को इंग्लिश तो आती नहीं थी तो जो लोग इंग्लिश पढ़ चुके थे वो क्या देश की जो भी का, का, अपने काले कारनामें करती थी उसको हिंदी में छाप के बंगाली में छाप के लोकल लोगों तक पहुंचाते भैया तो वर्ना में कुछ नहीं छपेगा जो छपेगा छपेगा नहीं तो नहीं छपेगा बाकी तुम अपना देख लो ठीक है उसके बाद और चीज किया था इसने एक फेमाइन कमीशन किया था फेमाइन उस टाइम इतना पड़ रहा था इंडिया में आपको मैं बता नहीं सकता बहुत ज्यादा कमी थी खाने की उसके तीन मेन रीजन थे वो रीजन भी ध्यान रख लो कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हैं पहला कि नल्लो ने आके कॉफी और ये सब लगवाना शुरू कर दिया था है ना तो हमारा क्या इन्होंने एग्रीकल्चर बर्बाद कर दिया था दूसरा इन्होंने इंडिगो नील की खेती शुरू कर दी थी तो जो जमीन उपजाऊ होती थी वो खत्म हो गई गेहूं लगाने नहीं देते थे कॉफी लगवाते थे और चाय लगवाते थे ये सब लगवाया करते थे ठीक है तीसरा हमेशा लड़ाई करते रहते थे वर्ल्ड वार हमेशा अपने यूरोप में लड़ाई करते रहते थे तो इंडिया का पूरा खाना वहां पर ले जाते थे है ना और बाकी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था ना ही कोई इरीगेशन के लिए काम किया ना ही कैनल ना ही डैम बनवाया तो क्या बहुत ज्यादा अकाल पड़ता था इसके टाइम में तो इसने एक फेमाइन कमीशन अपॉइंट की थी रिचर्ड रिचर्ड स्टैरिची के अंडर ठीक है रिचर्ड रिचर्ड स्टैरची एस टी ए आर सी एच वाई ठीक है रिचर्ड स्टार्ची के अंदर फेमाइन कमीशन अपॉइंट की फेमाइन कमीशन क्या होती है कि ये कमीशन बैठती है चाय पानी पीती है फिर बोलती है कि कुछ नहीं हो पाएगा रहने दो है ना मतलब ये कमीशन यही करती थी ब्रिटिश वाली उसके बाद इसने एक और किया था इसने इंडियाज आर्म्स एक्ट पास किया था ठीक है इंडियाज आर्म्स एक्ट पास किया था इसने इंडियाज आर्म्स एक्ट पास किया था आर्म्स एक्ट पास किया था ठीक है कब किया था 1878 में ब्रिटिश लोगों तो ये चीज ये चीज लोग के लिए केवल इंडिया के लिए लाया था जितने जि, लोग इंडिया में है उनको आर्म्स रखने के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा तो इंडिया आर्म्स एक्ट किसने पास किया था यह भी इस लिंटन ने पास किया था ठीक है ये थोड़ा सा सन की दिमाग का भी था ठीक है इसने सिविल सर्विस की एज को 18 साल कर दिया था 21 साल से घटा के

सर धीरे धीरे बोलिए टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा धीरे बोलने का ठीक है तो लेकिन आप लोग थोड़ा तो सा सर्जेस्ट कर लीजिए इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है आप जो अपन ध्यान रख सकते हैं इसके टाइम में पहला अपन का इनकम्प्लीट सेंसस हुआ था मतलब कंप्लीट सेंसस हुआ था मतलब जनगणना है ना इसके टाइम में पहली कंप्लीट जनगणना हुई थी एटीन में जनगणना की मतलब इंडिया में कितने लोग रहते हैं ठीक है थीके? इसको सेकंड सेंसस कहते हैं सेकंड कहते हैं इसका रीजन मैं बताता हूं क्योंकि मायो जो था एक मायो भी एक वायस मतलब वो था मतलब गवर्नर था है ना जो भी था तो इसने पहला सेंसस कराया था 1872 में

लिंटन ने कराई थी तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना लिंटन के बारे में एक और चीज है हालांकि वो आपके लेवल के लिए ले इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर बात ही कर रहे हैं तो इसके बारे में भी जान लेते हैं इसने ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन की थी ट्रीटी ऑफ गंडमक ठीक है ट्रीटी ऑफ गंडमक जी ए एन डी एम एक्ट्री ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन की थी किससे साइन की थी याकूब खान के साथ साइन की थी याकूब खान के साथ साइन की थी याकूब खान के साथ साइन की थी अब इस ट्रीटी में क्या था ब्रिटिश अफगानिस्तान को भी बहुत ज्यादा हथियार चुके थे ठीक है तो याकूब खान वहां का एक तरह से मान लो गुंडा था तो याकूब खान से ब्रिटिश को डर लग रहा था तो इसने उनके साथ ट्रीटी साइन कर ली जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ गंडमक ठीक है इसमें उन्होंने क्या कह दिया याकूब खान को कि जितना एरिया हमने नहीं कब्जा है ना उसमें आप ही रूल करो हम वहां पर कभी अटैक नहीं करेंगे लेकिन जितना एरिया हमने कब्जा लिया ना उसमें हमको दे दो हम आप, आपको और नहीं मारेंगे अब आप लेकिन हम पे अटैक मत कर लेना तो ट्रीटी ऑफ गंडमक रिलेटेड है अफगानिस्तान से जो कि याकूब खान के साथ साइन की थी और लिंटन ने साइन की थी तो अब इसे ज्यादा लिंटन के बारे में क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा ठीक है इतना गारंटे है मेरी इतना गारंटी है मतलब और रिपन के बारे में बता दिया था इसको फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है थीके? इसने वर्ना क्लॉप को हटा दिया था कहा था आप जिसमें जो कौन सी भी भाषा में छापना आपको छापिए ठीक है थीके? इसने वापस सिविल सर्विस की एज को इक्कीस साल कर दिया था है ना और इसने क्या किया था इसने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ला दिया था ये सब चीजें रिपन ने की थी और रिपन को एक अच्छा वाइस मतलब वाइस रॉय कहा जाता है मतलब वो कहा जाता है वाइस रॉय रिपन होगा गुरु जी किसमें रिपन होगा किसमें रिपन होगा किसमें रिपन होगा भैया इतना नाराज हो किसमें रिपन होगा अब देखो मैसेज डिलीट कर लिए ठीक है अब स्पैम मत करिए करिएपुर भैया देख लेंगे तो आपको वो कर देंगे ठीक है मैं मैं थोड़ा सा लेबर हूँ कुछ कहता नहीं हूँ तो आप लोग ऐसे मत करिए ठीक है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जब आया था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था गवर्नर जनरल तो नहीं मेरे ख्याल से उस टाइम वाइस रॉय होगा तो गवर्नर जनरल गलत लिखा है उस टाइम भारत का वाइस रॉय कौन था क्लेम स्पोर्ट था रीडिंग था एरविन था या वेवल था जल्दी बताओ श्रेयांश कुमार आप थोड़ा सा मेंटल हॉस्पिटल है अगल बगल उसके यहाँ आप जाके अपनी दवाई वाई कराइए ठीक है आप लोगों का इलाज मतलब यहाँ नहीं हो सकता ठीक है आप अपनी दवाई जाके कराइए अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स कराइए थो तो मतलब थोड़ा सा जागर मतलब मानसिक स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ ज़्यादा है ठीक है तो अच्छी जगह दवाई कराइएगा बस मैं यही कहना चाहता हूँ चलो ठीक है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ भैया जल्दी बताओ जल्दी बताओ ऑप्शन सी कह रहे हो सी कह रहे हो सी कह रहे हो इरविन कह रहे हो इरविन कह रहे हो इरविन कह रहे हो चलो चलो ठीक है देखते हैं देखते हैं देखते हैं ठीक है सही आंसर दे रहे हो एकदम सही आंसर दे रहे हो बहुत बढ़िया से एकदम सही आंसर दे रहे हो ठीक है एकदम सही आंसर दे रहे हो अच्छा गांधी पैक्ट भी के टाइम में हुआ था क्या गांधी पैक्ट इसी के टाइम में हुआ था और को नाइनटीन थर्टी में हुआ था दोनों चीज मेरे को कन्फर्म करके बताओ मेरे को थोड़ा सा भूल गया है क्या गांधी इरविन पैक्ट इसी के टाइम में हुआ था क्या वो 1931 में हुआ था और क्या इसी गांधी इरविन पैक में गांधी जी ने 11 डिमांड मांगी थी अपनी कितनी डिमांड थी गांधी जी की 11 डिमांड मांगी थी गांधी जी ने क्या ये सब बातें सच हैं जल्दी बताओ मेरे को थोड़ा तो सा ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है कुछ लोगों का नाम ले लेते हैं समीक्षा अंजना अमित अनुज यदुवंशी रावण सूर्या समीक्षा सदव खान सदफ खान सर घर में गेस्ट आए कोई बात नहीं आप थोड़ा सा बाद में देख लेना ऑफलाइन देख लेना ठीक है सुप्रिया नीरज सोनम पूजा यदुवंशी पूजा मौर्य आदित्य गुप्ता नीलम कुमारी अनुज अंजना सबका एकदम सही आंसर सबका सही आंसर है ठीक है इसका एकदम सही आंसर है अच्छा ठीक है क्या साइमन कमीशन इसी के टाइम में हुआ था साइमन कमीशन इसी के टाइम में हुआ था जल्दी बताओ क्या साइमन कमीशन जो हमारा 1927 में अपॉइंट हो गया था और 1928 में भारत आ गया था साइमन अच्छा साइमन ही लिख रहा हूं मैं साइमन कमीशन क्या साइमन कमीशन के टाइम का था जल्दी बताओ साइमन साइमन कमीशन कमीशन इसी के के टाइम में था के बाद अपन का कौन सा वो आया था उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं ठीक है आप लोग पहले इसको आंसर दो जल्दी से ठीक है ठीक है ठीक है जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है ना कोई दिक्कत मत लेना सभी के सभी कवर कर देंगे यस सर एकदम सही था साइमन कमीशन में इसी टाइम में आया था थीके? अब साइमन कमीशन के बाद हमने साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विद्रोह किया था क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर में नहीं था तो इरविन ने क्या कहा हमको नेहरू जी को बुलाया मोदी लाल नेहरू जी को नेहरू नह, जवाहरलाल नेहरू जी के पापा जी को है ना उनको बुलाया बोला तुम इधर आओ ठीक है तुमको साइमन कमीशन नहीं पता ठीक है तुम अपना खुद की रिपोर्ट बना के आओ लेकिन उसमें एक कंडीशन में देता हूँ उसमें अच्छे से सुनना एकदम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ठीक है उसमें एक कंडीशन देता हूँ तुम्हें खुद की रिपोर्ट बना के आओ लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वो रिपोर्ट मुस्लिम लीग को भी कबूल होनी चाहिए वो रिपोर्ट

1928. 1928 को इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को सबमिट किया ठीक है और जैसा कि सबको पता था जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को हटा दिया उनको पसंद ने आई नेहरू रिपोर्ट वो तो एकदम पता था तो नेहरू रिपोर्ट भी किसके टाइम में आई थी इरविन के टाइम में ही आई थी उसके बाद जिन्ना ने क्या किया जिन्ना ने फोर्टीन पॉइंट ऑफ जिन्ना अपने खुद के चौदह पॉइंट को लिख के भेजा वो उसने कब किया था इसने ट्वेंटी में किया था फोर्टीन पॉइंट ऑफ जिन्ना जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में लिखे थे कि भाई हमको नेहरू रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा और हमको अलग से अपना सब कुछ चाहिए तो उसने फोर्टीन पॉइंट लिख के भेजे थे ठीक है तो इरविन एकदम सक्सेसफुल हो गया

कि अब हम उनको पूर्ण स्वराज चाहिए ठीक है पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी इस पॉइंट को भी ध्यान रखना पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया है ठीक है इस पॉइंट को भी ध्यान रखना और अपन क्या ध्यान रख सकते हैं इसके टाइम में ही अपन की फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी गए ये रहा इसके टाइम में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कांग्रेस नहीं गए थे गांधी जी ने सबने बॉयकॉट कर दिया था ठीक है तो अब मैं आपका कमेंट भी देख लू है ना मैं जब से चलाए पड़ा हूं वह सर क्या खूब पढ़ा रहे हो चलो आप लोगों को मजा आ रहा है और दिक्कत मत लेना ठीक है जितने इंपॉर्टेंट वाइस रहे है ना उन सबका जैसे कि क्वेश्चन तो एक है लेकिन इस क्वेश्चन से दस क्वेश्चन का जितना भी मैटर बनेगा ना वो मैं आपको कवर करा दूंगा ठीक है फर्स्ट राउंड टेबल किया था, था? मुस्लिम लीग ने अटेंड किया था और हिंदू महासभा ने भी अटेंड किया था हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी मदन मोहन मालवी जी ने की थी ठीक है मदन मोहन मालवी जी ने की थी है ना हिंदू महासभा की स्थापना की थी मदन मोहन मालवी जी ने है और साथ में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं क्वेश्चन आता है ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था तो वो केवल एक ही व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने पूरी की पूरी तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था ठीक है तीन की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था तो इरविन के टाइम में यह सब हो रहा था अब एक चीज आप लोगों को ध्यान ही होगी नाइनटीन में अपन का डांडी मार्च भी हुआ था तो इरविन के ही टाइम में अपन का डांडी मार्च भी हुआ था नाइनटीन की बात कर रहे हैं अपन इरविन के टाइम पीरियड में ही अपन का डांडी मार्च हुआ था ठीक है तो ये सब हो गया आप लोग इसको एक बार जितना मैंने बताया ना उसको अच्छे से पचा लो मैं जब तक पानी पी लेता हूं ठीक है मैं जब तक पानी पी लेता हूं सर बाजू हर के बताइए हिंदी का प्रश्न नहीं दिख रहा है गब्बर हिंदी का प्रश्न ने बाद में देख लेना ठीक है मतलब देख लेना कोई दिक्कत नहीं वीडियो करके एक बार देख लो जो दिक्कत नहीं ये लो ठीक है एक बार देख लो अच्छे से एक बार देख लो ये लो ठीक है जब क्वेश्चन में बताया जब बोला करता हूँ ना तभी हिंदी वाला भी देख लिया करो लेकिन जब मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन बताता हूँ तो क्वेश्चन को भूल के इन पर ध्यान दिया करो और अगर साइड में कहीं लिख रहे होते हो तो लिखा करो ठीक है फिर गांधी वर्सेस अंबेडकर समझौता उसको पूना पैक्ट कहते हैं ठीक है समझौता मतलब ऐसे गांधी वर्सेस नहीं थे ला? दोनों तलवार लेके लड़ाई नहीं कर रहे थे ना सर आज मैं लेट हो क्यों गया क्योंकि घर में गेस्ट आए थे अच्छा घर में गेस्ट आए थे काम हो गया चलो ठीक है इतना लेट नहीं है थोड़ा लेट हो गए हो पर कोई दिक्कत नहीं सर इतना सब कैसे पचा सकते हैं अच्छा तो एक काम करना इसको किसी में लिख लो कॉपी जब पूरा वीडियो के बाद मेरे साथ कंप्लीट कर लो उसका तो ऑफलाइन जाना इस वाले उसमें आना और इसको पूरा कॉपी में लिख लेना ठीक है चल तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा हाँ ये आप लोगों के लिए मैंने बना के दे दिया ठीक है क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करें इसलिए आप लोगों के लिए मैंने बना के दे दिया है वार्ड हिस्सिंग के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सब लिख दी हैं ये मैंने बार बार बताई है तो उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है वैसली के बारे में से सबसे रिलायंस सिस्टम लाया था मैंने पूरी कहानी बताई थी ना निजाम की फिर टप्पू पप्पू की पूरी कहानी बताई थी विलियम पेंटिक का जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सब कुछ बता चुका हूँ लेकिन एक बार लिख के भी ला दिया हूँ ये आप लोगों के लिए हिंदी में लिख के ला दिया है अच्छा हाँ एक बात तो तुम लोगों ने बताई नहीं पी आज कैसी है आज पी सही दिख रही है आज पी सही दिख रही है चलो छोड़ो यार आपको जब बोलना ही नहीं है शिवम शिकारी तो मैं आप खुद ही देख रहे थे आप मैं पढ़ा रहा था मोबाइल मेरा डेस्क में रखा हुआ था है ना तो मैं देख नहीं पाया आप एक बार क्वेश्चन वापस पूछ लीजिए वैसा वाला क्वेश्चन मत पूछेगा जो कल एक लड़के ने पूछा था सर बीएससी मैथ्स में क्या पढ़ना है फिर उसको मैंने अच्छा जवाब दिया था और ये आप लोगों के लिए मैंने अच्छे से समझा दिया ठीक है क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है जो लोगों की पढ़ाई थोड़ा सा कमजोर हो क्रैश कोर्स ले, ले जिनकी पढ़ाई एकदम से टोटल रेडी है वो लोग केवल टेस्ट सीरीज खरीद लें एक बात को ध्यान रखना क्रैश अगर क्रैश कोर्स लोगे तो टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी ठीक है इसको अच्छे से ध्यान रखना करते हैं चलो एडवन के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है इसमें जो भी लिखा है देख लेना ठीक है साइमन कमीशन डांडी मार्च सभी ने अव आंदोलन प्रथम गोल में सम्मेलन गांधी इरविन इसको मैंने लिख भी दिया है ठीक है जैसे तुम लोग नोट बनाने में परेशान मत हो खुद ही लिख के ला दिया पूरा मेहनत मैं करूंगा बस तुम लोग रिजल्ट ला के दे देना ठीक है ये लो अब हु लेट द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सिटी दिल्ली स्टाइल दीनपना दीनपना जो एक सिटी है उसको किसने बनाया था ठीक है अभी थोड़ा सा हट के क्वेश्चन लेके आए हैं मतलब थोड़ा सा ना बहुत हिस्ट्री हिस्ट्री हो गया था वो हो गया था तो एकदम पकड़ के कहीं और से क्वेश्चन ला के रख दिया स्क्रीन शॉट लेने दीजिए ना सर अरे आपको पीडीएफ ही दे देंगे ना आज पीडीएफ का बताया भी मैंने तरीका कैसे पीडीएफ लेते हैं तो की दिक्कत ले रहे हो सर क्रैश कोर्स में क्या है क्रैश कोर्स में आपके जो जो हमारे मेन चैनल की वीडियो है ना उसमें सबके सब, सब वीडियो तो नहीं कर पाओगे दस पंद्रह दिन में कुछ वीडियो घटा के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप लोगों को दे दिए गए हैं ठीक है और इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप में मैसेज कर लेना क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है तो फिर बाद में पीटोगे सर ने गलत बता दिया चलो इसको जल्दी बताओ इसको जल्दी बताओ ऑप्शन सी कह रहे हो ऑप्शन सी कह रहे हो सी कह रहे हो बी कह रहे हो ठीक है सी कह रहे हो शेर शाह ये ऐसे सी इसमें डिजाइन से बना इसलिए कह रहे हो क्या चलो मैं लो सी नहीं होगा गारंटेड मतलब अब अच्छा जितने भी लोग हो लास्ट में जाके कमेंट कर दिया कैसा लगा ठीक है सब लोग जितने भी हालांकि कुछ लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट का मैंने रिप्लाई भी दिया और अच्छा लगा कमेंट पढ़ के भी आपका कहा से मिलेगा सर पीडीएफ सोनाली सबसे पहले सब वीडियो को एक बार जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा ना सबसे पहले वीडियो में जाना पूरा का पूरा एकदम फंडा ही खोल गया फंडीएफ कैसे मिलेगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी चलो तुम लोग बात मान गए हुमायूं हुमायूं ने बहुत कम ही काम किए हैं लेकिन एक उसका काम है कि दीनपना सिटी इसने बना दी थी ठीक है दीनपना है ना उसके बाद हुमायूं किसने मार मार के भगाया था शेरसाह सूरी नहीं मार मार के भगाया था कौन सी बैटल थी बैटल के अपन कौन कौन सी बैटल थी जिसमें हुमायूं भाग के मतलब भागा था दौड़ के बैटल ऑफ कौन सी बैठक अगर हमको ध्यान हो तो बताओ सर मैं कमेंट करती हूँ हमेशा वर्षा राजपूत हाँ आपका कमेंट हमेशा आता है आपका नाम भी लिया जाता है पूजा विभा अनीता समीक्षा विशाल प्रतिज्ञा यश पूजा अनीता मीनाक्षी पूजा सत्येंद्र रावण एफ एफ नाइन हंड्रेड प्रतिज्ञा अंजना पटेल रावण फिफ्टीन थर्टी थ्री हाँ फिफ्टीन थर्टी थ्री एकदम डेट एकदम सही बताया हो ठीक है वो बताओ वो कौन सा था बैटल का नाम क्या था बैटल ऑफ मेरे ख्याल से चौथा था या बैटल ऑफ कुछ ऐसे करके था मेरे को नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं है हमको आपसे पढ़ना है या ना ना पढ़ना नहीं हो सकता क्या हमको आपसे पढ़ना है ना यार पढ़ा नहीं सकते हो बोलो हमको आपसे पढ़ना है यार आप पढ़ा नहीं सकते हो मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा यार लेकिन दिक्कत क्या है कि ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ मैं ठीक है घर में मतलब ऑफलाइन आपको नहीं पढ़ाता तो अगर अभी तो बहुत लेट हो होगा कोर्स अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो तो कोर्स फिर आएगा या तो अभी क्रैश कोर्स में अपना देख सकते हो हालांकि आप काफी कम दिन बचे हैं तो अगर एकदम शून्य तैयारी है तो क्रैश कोर्स भी मत लेना ठीक है मैं ऐसा उसके लिए मैं कभी नहीं कहता हूँ कि तुम लोगों का पैसा वो हो अभी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो जितना हो सके मैथ्स का प्रैक्टिस कर लो जीके जी के मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो ठीक है बैटल ऑफ कन्नौज बैटल ऑफ कन्नौज ठीक है तुमको कन्नौज कहो मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं है तो कन्नौज ही होगा ठीक है अब मैं बाकी कल बता दूंगा बैटल ऑफ चौसा हाँ मेरे को बैटल ऑफ चौसा किसी का दिखा हाँ किसाल सिंह मेरे को भी कुछ चौसा याद आ रहा है बैटल ऑफ चौसा याद आ रहा है ठीक है कन्नौज और चौसा जहाँ दोनों में पिटा था अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट केव्स ये आप लोगों का होमवर्क है ये आप लोगों का क्या है होमवर्क है ये आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है ठीक है तो इसमें सबसे पहले अजंता केव कहा है महाराष्ट्र में ध्यान रखना एलोरा केव भी महाराष्ट्र में ध्यान रखना एलिफेंट केव पे महाराष्ट्र में ध्यान रखना कारला केव कहाँ पे है ये भी महाराष्ट्र में ध्यान रखना बाघ केव कहाँ पे मध्य प्रदेश में भीम बेट का केव कहाँ पर है मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है यूनेस्को साइट भी है ठीक है यूनेस्को साइट भी है हालांकि अजंता एलोरा भी यूनेस्को साइड्स है उदयगिरी केव्स भी केव पे मध्य प्रदेश में उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स कहाँ पर है, है? आपके उड़ीसा मिल जाएगा बदमी केव्स आपको कहां मिलेगा आपको कर्नाटका मिल जाएगा और व्रह केव कहाँ मिलेगा आपको तमिलनाडु मिल जाएगा ठीक है इसको ध्यान रख लेना रट लेना पी लेना खा लेना लेकिन अच्छे से ध्यान रखना ये आपका होमवर्क है आज के लिए

नहीं आपको घर में नहीं पढ़ा पाएंगे सॉरी ठीक है ऐसे हम नहीं पढ़ा पाएंगे सर ये देखिए शिवम को कुछ प्रॉब्लम है ये बार बार पता नहीं क्या हमेशा पूछ रहा है ये शिवम को मैंने इलाज बताया उसको पागल के यहां जाना मतलब उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा आप क्या कर सकते हैं शिवम का है ना ब्लॉक करा देंगे थोड़ी देर भैया आएंगे तुमसे ब्लॉक करा देंगे ठीक है एक मिनट उनको ब्लॉक करा देते हैं ठीक है एक मिनट रुकन को ब्लॉक कराते हैं ठीक है इनका होना होना है नहीं बस ऐसे आ जाते हैं सड़क छाप देखिए शिवम उसको ब्लॉक करिए कोई शिवम ब्लॉक करिए डिस्टर्ब कर रहा है कुछ शिवम शिवम ठीक है ब्लॉक हो जाएगा वो ब्लॉक हो जाएगा उसका कुछ होना होना है नहीं है है ना ब्लॉक हो जाएगा उसको जाने दो अरे सर परेशान कर रहा है उसमें लोगों को परेशान कर रहा है तो क्या करेंगे हाँ ठीक है उनका इलाज हो जाएगा ठीक है डॉक्टर आ गए हैं तो नाइनटीन ट्वेंटी एट में आप अच्छा ये वाला नहीं देता था, था ना येकहरी वाला ये रहा उसके बाद ये वाली चीज़ तुम लोग भूल गए हो गये, मैं याद दिला देता हूँ तो, आज कल का लेक्चर छोड़ के उससे पहले ने क्या पढ़ा था कांग्रेस सेशन पढ़े थे है ना कहाँ तक पढ़े थे 1924 तक पढ़े थे तो उसके बाद के सेशन आप लोगों को यहाँ पे दे दिए गए हैं ठीक है उसके बाद के सेशन यहां पर दे दिए इनको सबसे लास्ट में देखेंगे आपन अभी नहीं लास्ट में देखेंगे हां सर कुछ ऐसे कर रहा था बोल रहे थे कुछ ऐसे ही बकवास कर रहा था मैं पढ़ा रहा था दिखा भी नहीं मेरे को ठीक है तो इसको लास्ट में करें अभी कर लें जल्दी बताओ लास्ट में करते हैं मेरे हिसाब से सही रहता तो आप लोग बताओ लास्ट में करते हैं ठीक है चलो ठीक है ठीक है आप लोग अपना टाइम मत बर्बाद करो ठीक है शिवम के कारण अपना क्यों बर्बाद करते हैं अपन अपना देखते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा पीडीएफ ये लेक्चर खत्म हो जाए फिर सबसे लेक्चर ऑन करके देखना ठीक है आपको पीडीएफ मिल जाएगा चलो ठीक है जल्दी से बताओ इसको अभी करना है या बाद में करना है ओके सर ओके सर लास्ट में लास्ट में ठीक है लास्ट में आप लोगों को दो तीन चीजें हैं उसको लास्ट में करेंगे ठीक है अभी अपन पीढ़ी वाला काम कर लेते हैं इसको बाद में देखेंगे अपन या आप लोगों के लिए मैंने बार 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 बता दिया ठीक है इस बार इसको देख लो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है नाइन 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 में ठीक है और आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी टू फोर्टी नाइन में आपको टेस्ट सीरीज ले लेना है ठीक है और क्रैश कोर्स जो बच्चे लेंगे उनको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी बात को ध्यान रखना अब ये वाला क्वेश्चन बताओ एडवेंट ऑफ यूरोपियन से क्वेश्चन आने, हो से आने हो जब 1664 में आया था ना, उसके आने के बाद लाइन लग गई थी जो बाहर से लोग आ गए थे, तो थे और मेरे से आप को दिख रहा है। क्या मैं देता हूं विच वन ऑफ वाज फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था कौन सा पहला किला था अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत में ठीक है कौन सा जल्दी बताओ न्यू स्टूडेंट अनित कुमार बहुत बहुत स्वागत है अनित आपका और आपको अभी थोड़ा सा अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए काफी सारे लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में पढ़े ठीक है जीके जीएस के तो आप रोज क्लास क्लियर करा करिएगा अगर क्वेश्चन गलत होंगे तो टेंशन मत लीजिएगा यहाँ पे गलती करने के लिए अपन है सर पीडीएफ छोटा करिए हाँ यहाँ क्वेश्चन को तो ऊपर चला गया है तो उसको देखना पड़ेगा हिंदी में लिखा है हिंदी में देख लो हिंदी में लिखा है हिंदी में लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था ठीक है कौन किला था अंग्रेजों द्वारा निर्मित ऑप्शन ए कह रहे हो फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम कह रहे हो कुछ लोग ठीक है फोर्ट विलियम कह रहे हो विलियम कह रहे हो विलियम कर कुछ लोग ऑप्शन डी कह रहे हैं डी कह रहे हैं पूरी पी डी एफ ही वो हो गई ऑप्शन सब लोग ए कह रहे हो ए कह रहे हो ए कह रहे हो मुकेश साहू आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यू स्टूडेंट है आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू स्टूडेंट हो ना तो बहुत सारे लेक्चर पहले पड़े हुए हैं तो उनको जाके देख लेना ठीक है और रोज क्लास किया करना फोर्थ सेंट जॉर्ज सही आंसर है फोर्थ सेंट जॉर्ज विलियम नहीं है विलियम नहीं है सेंट जॉर्ज एकदम सही आंसर है ठीक है पीडीएफ एफ कहां मिलेगा वर्षा तिवारी आपको जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो एकदम स्टार्टिंग में जाना मैंने स्टार्टिंग में पूरा प्रोसेस बताया आपको वीडियो कैसे मिलेगा पीडीएफ कैसे मिलेगा ठीक है तो वहां पर देख लेना सर लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा हिंदी वाला एक तो कल पीडीएफ मैंने एकदम पूरा फुल्ली ब्रॉड कर दिया था पूरा बड़ा कर दिया था इस कारण ये सब प्रॉब्लम हो रही है इस कारण हमको ये सब प्रॉब्लम हो रही है सर कल कितने बजे से होगा टेस्ट ऐप पर आपको उसको टाइम पता लग जाएगा मेरे को भी पता नहीं है कमेंट करके बता देंगे पर टेस्ट सीरीज में ऑल सब्जेक्ट रहेगा ना हाँ अगर बीए के लिए लोगे तो बीए का ऑल सब्जेक्ट ही रहेगा टेस्ट सीरीज मतलब जनरल टेस्ट रहेगा और लैंग्वेज रहेगा डोमेन नहीं रहेगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है ठीक है अंजना आकाश नुबीता केशाली नीरज प्रतिज्ञा अंजना समीक्षा अमीषा विशाल सतेन्द्र पूजा विवाह अनुज वर्षा शिवम अनुज समीक्षा मानसी अनुज ढोली पूजा ठीक है सबका एकदम सही आंसर एकदम मतलब पहले तो गलत ही दे रहे थे अभी सही देने लग गए हो तो अब क्या कर सकते हैं सही आंसर है और पीडीएफ का क्या करें अपन क्योंकि पीडीएफ अब सभी में ऐसी है ठीक है पीडीएफ का अपन क्या करें अगर बताओ हिंदी में काम चलेगा तो ठीक है या तो अपन वो चीज पढ़ लेते हैं जो आपको पढ़ना था ठीक है इसको कल कवर कर लेंगे दोनों में से एक चीज बताइए आप लोग क्योंकि अभी पी डी एफ सही करने का टाइम तो नहीं है हमारे पास पी डी एफ सही करने का टाइम तो नहीं है हमारे पास ठीक है बार बार सब पूछ रहे हैं मानसी सर यू डिजर्व मिलियंस ऑफ यूज थैंक यू मानसी ठीक है ओके सर ओके okay, सर जल्दी बताओ क्या करना है या तो एक काम करते हैं पांच मिनट का टाइम दीजिए तो, तो पीडीएफ सही कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए ठीक है कुछ क्वेश्चन के लिए पीडीएफ अपन सही कर लेते हैं तो वो फिर सही हो जाएगा कल एक तो पीडीएफ में इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि अब मैं पी सही कर रहा हूँ मैं पीडीएफ सही कर रहा हूँ ठीक है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए मैं पीडीएफ सही कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन के लिए सही कर लेते हैं बाकी अपन जो आज अपन का याद करने वाली चीज थे ना उसको समझ लेंगे ठीक है उसको समझ लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं पीडीएफ का दिक्कत हो गया ठीक है तो कुछ क्वेश्चन सही कर लिए हैं उनको एक बार वापस पीडीएफ सेंड करते हैं ठीक है तो फिर एकदम सही हो जाएगा अपन का जो लोग जुड़े हैं थोड़ा सा गलती तो है क्योंकि मैंने घर में पीडीएफ बनाई थी और मैंने जस्ट जब लेक्चर लेना शुरू किया तभी मैंने पीडीएफ डाली थी मैंने घर से यहां पे पीडीएफ चेक नहीं की थी तो थोड़ी सी मेरी गलती है उसके लिए सॉरी ठीक है अभी कुछ क्वेश्चन सही कर लेते हैं बाकी अपन जो हमको पढ़ लेते हैं ना कांग्रेस सेशन उनको पढ़ लेते हैं जो लोग भी थोड़ा सा तकलीफ हुई हो उनके लिए क्या कर सकते हैं चलो तो ठीक है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये ये वाला इसका आंसर सेंट फोर्ट जॉर्ज था ठीक है फोर्ट सेंट फोर्ट जॉर्ज था ठीक है इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं आप लोग पढ़ के इसका आंसर बताइएगा छह अप्रैल 1930 को वेल नोन हिस्ट्री इंडिया बिकॉज ऑफ द डेट इज एसोसिएटेड विद छह अप्रैल 1930 को क्या हुआ था एकदम सिंपल भाषा में बता दो ठीक है छह अप्रैल 1930 को क्या हुआ था छह अप्रैल 1930 को क्या हुआ था ठीक है छह अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तिथि ति ति संबंधित है किससे संबंधित है डांडी मार्च से संबंधित है जो कि महात्मा गांधी जी ने की थी क्विट इंडिया मूवमेंट संबंधित है पार्टीशन ऑफ बंगाल से संबंधित है या तो यह पार्टीशन ऑफ इंडिया संबंधित है छह अप्रैल उन्नीस किससे संबंधित है पीडीएफ नहीं हो रही है इसका आंसर बताओ डांडी माच डांडी माच डांडी माच इट्स ओके सर इट तो नहीं थोड़ा सा गलती तो मेरी है पर क्या करें दो दिन से पीडीएफ कभी इतना छोटा हो रहा था तो आज पूरा ब्लैक बोर्ड यूज किया तो आज इतना बड़ा हो गया तो ठीक है थोड़ा सा इसकी दिक्कत है अपन उस पर याद कर लेते हैं जो अपन का कांग्रेस वाला चीजें ठीक है।, है इनको कल कवर कर लेंगे या तो पीडीएफ में आप लोगों को मिल ही जाएगा हालांकि क्वेश्चन क्या क्या है ये अपन अगर आपको मैं बोल के सुना दूं तो आप लोग ऑप्शन तो दिख रहा है तो आप लोग क्वेश्चन बता लोगे अगर बताओ अगर ऐसे काम चल सकता है तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मैं नहीं चाहता कि आप लोग क्वेश्चन देख लो कल मैं यही सेम क्वेश्चन कराऊं तो आप लोगों ने आंसर पहले से देख के रखा हो ठीक है डांडी मार्च डांडी मार्च एकदम सही आंसर एक है डांडी मार्च एकदम सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था है ना और इसमें डांडी मार्च में सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया था ठीक है तो सॉल्ट लॉ को ऐसा नहीं कि वहां सब नमक बनाने लग गए थे वहां पहुंच के ठीक है ऐसा कुछ नहीं हुआ था सॉल्ट लॉ में क्या किया था गांधी जी जब समुद्र के तट के पास पहुंच गए थे उन्होंने मुठ्ठी भर नमक अपनी मुठ्ठी में लिया था उसने कहा था कि अब हम ब्रिटिश को मोनोपोली नहीं देंगे नमक बनाने की अब हम नमक खुद ही बनाएंगे ठीक है तो इसके लिए ये हुआ था कहते मेरे ख्याल से 77 लोग गांधी जी के साथ चले थे 77 लोग गांधी जी के साथ चले थे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू जी ठीक है सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू ठीक है ये भी गांधी जी के साथ थी डांडी मार्च में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गांधी जी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी थी ये गांधी जी के साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थी और ये डांडी मार्च में भी थी ये डांडी मार्च में भी थी ठीक है दोनों में थी सरोजिनी नायडू जी तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा ठीक है तो आप लोग अगर बोलते हो तो अगर दिक्कत होगा तो अपन फिर याद करने वाली चीज कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं विच पार्टी वॉज इन पावर इन द यूके के वेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट भारत के स्वतंत्रता होने पर यूके मतलब इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सत्ता थी जब भारत आजाद हुआ था मतलब जब इंडिपेंडेंस एक्ट आया था हमारा तो यू जो हमारा इंग्लैंड में था वहां कौन सी पार्टी के पास सत्ता थी क्या वो लिबरल पार्टी थी क्या वो कंजर्वेटिव पार्टी थी क्या वो लेबर पार्टी थी या कोई पार्टी ही नहीं थी ठीक है क्या वो उदारवादी पार्टी थी क्या वो अपरिवर्तन वाली पार्टी थी या क्या वो श्रम थी ठीक है कौन सी पार्टी थी सर माफी वो लेट हो गया था आज इंडिया वर्ष इंग्लैंड का मैच है आप मैच देखिए ठीक है आप आप लेट हो गए तो आप यहां गड़बड़ कर देंगे 110 लोग लाइव हैं बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का ठीक है थोड़ा सा मैंने गलती कर दी पीडीएफ में फिर भी आप लोग इतने लोग लाइव हैं तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कल से गलती भी नहीं होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने रखी हुई है, है ना तो आने का आप लोगों को फायदा मिलेगा सर राइटिंग बिल्कुल आर तारे जमीन के बच्चे वाली है चलो ठीक है मैं इसको एकदम मैं उसमें नहीं लूंगा सही है सही है ठीक है इतनी बुरी भी नहीं है तारे मतलब हाँ बोर्ड में है बाकी मैं कॉपी में ऐसा नहीं लिखता हूं इसमें आदत नहीं ना इसलिए लेबर पार्टी की सरकार थी ठीक है लेबर पार्टी की सरकार थी ऑप्शन सी एकदम सही आंसर दे रहे हो लेबर पार्टी की सरकार थी और कौन था क्लेमेंट एटली क्लेमेंट क्लेमेंट एटली था है ना यही था ना कि कोई और था यही था या तो विंस्टन चर्चिल था कौन था जल्दी से बताओ मैं थोड़ा सा थो 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 से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, है ना विंस्टन चर्चिल था थोड़ा सा थो थो गलती भी छुप जाएगी विंस्टन चर्चिल था या क्लेमेंट एटली था कौन था बताओ वीडियो को लाइक कर दो यारो हाँ वीडियो को लाइक कर दिया करो मतलब ये मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अपने भाई लोग ही बोल लेते हैं है, है ना स सर सी हाँ सी एकदम सही पार्ट सही आंसर है लेबर पार्टी की सरकार थी ठीक है टेस्ट सीरीज में सर मैथ रीजनिंग जी के एग्रिकल्चर यह सब क्वेश्चन होंगे कि नहीं हाँ टेस्ट सीरीज में आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है ना उसमें आपके सभी होंगे मैथ रीजनिंग जोग्रफी करंट अफेयर ये सब कुछ इंक्लूडेड होगा आप जिसकी भी टेस्ट सीरीज लेंगे ठीक है लेकिन बी ए वाली टेस्ट सीरीज में डोमेन नहीं होगा ठीक है ऐसे अंधेरे में नहीं रखते हम लोग लास्ट वाला ऑप्शन बोल दीजिए सर लास्ट वाला कोई पार्टी सरकार में नहीं थी लास्ट वाला ऑप्शन ये है ठीक है एटली थी सर एटली था कुछ लोग चर्चिल कह रहे हैं कुछ लोग एटली कह रहे हैं एटली था सर एटली था सर एटली ठीक है ठीक है क्लेमेंट एटली था क्लेमेंट एटली ही था क्लेमेंट एटली ही था है ना क्लेमेंट एटली ही था इसी ही की सरकार थी और इसी ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया था और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना ए, क्योंकि इंग्लैंड में रानी का शासन है ना रानी का मतलब रानी नॉमिनल हेड है नॉमिनल हेड क्या होता है दिखाने के बस के लिए हमारे इंडिया में क्या प्रेसिडेंट है, है तो वहां पर क्या जब तक रानी साइन नहीं करेगी तब तक उस चीज को पास हुआ नहीं माना जाएगा तो रानी ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट मतलब भारत को आजादी देने का एक्ट को कब साइन किया था वो साइन हो गया था अठारह जुलाई अठारह जुलाई नाइनटीन ठीक है अठारह जुलाई 1947 और इससे पहले ही माउंट बटन प्लान आ गया था ध्यान रखना इससे पहले ही भारत पाकिस्तान ने साइन कर लिया था जन्ना जी ने नेहरू जी ने कि भारत पाकिस्तान अलग अलग होगा ठीक है फिर माउंट बटन ने तुरंत फोन लगाया इंग्लैंड पे एटली जी को कि भैया अब यहाँ पे मैटर सॉल्व हो गया है अब एक काम करो जल्दी से एक्ट पास करा दो तो यहाँ पे आप आजाद कर देते हैं ठीक है थीके? तो फिर सर मेरा रिफंड कर दीजिए बेबूल भैया सर से हाँ आप फेबूल भैया से डायरेक्ट बात करिएगा ठीक है मैं फिर भी आपकी बात एक बार उनसे पहुंचा दूंगा तो फिर उसने माउंट बैटन ने फोन ला के बताया तो 18 जुलाई को 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट साफ साफ कहता है कि देर डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे विल मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन विल भी कंटिन्यूड मतलब वो क्या कहता था कि सब पूरी पावर हम उनको दिए दे रहे हैं लेकिन एक काम करो गवर्नर और जो इंडिया के वाइस रहे हैं उनको माउंट बैटन को रहने दो जैसे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे तो हम हट जाएंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना लिया

उसका आंसर बताना मेरे को ठीक है तब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नहीं तो नहीं कराएंगे सर अंग्रेजों को बात कष्ट हुआ होगा भारत छोड़ते समय इतना क्या कष्ट हुआ होगा इतना तो लूट लिए थे उनको क्या कष्ट हुआ होगा और उनको अब ऐसा नहीं उन्होंने दान में छोड़ के चले गए ठीक है बहुत लोगों ने अपनी जान दी है बहुत लोगों ने अपने सेक्रीफाइस किया तब छूटा गया ठीक है ऐसा नहीं कि हमने भीख मांगी और वो कर दिया गया उनके लिए वर्ल्ड वार वन लड़ा उनके लिए वर्ल्ड वार टू लड़ा उनके लिए जापान से लड़ा उन्होंने हमको बदले में क्या दिया रोल एक्ट दिया है ना तो फ्रीडम तगल बहुत ही वो है मेरे को क्वेश्चन का आंसर बताओ वंदे मातरम कौन से कांग्रेस सेशन में गाया गया था और कहां पे वो सेशन हुआ था वंदे मातरम जब इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी आप मैं आपको नेक्स्ट कांग्रेस सेशन पढ़ाऊंगा और अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो ठीक है पेपर आप लोगों को देना है मैं इतनी मेहनत करके क्यों लाता हूं कल से मैं सीधे-सीधे क्वेश्चन लाए करूंगा बात खत्म सर हिंदी पार्ट से पढ़ाईए ना प्लीज सुशीला देवी ठीक है हिंदी पार्ट भी हिंदी वाला भी ठीक है इस मेरा यहां पे अपन का हिंदी वाला तो हिंदी से ही पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे ठीक है लेकिन पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताओ तभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नहीं तो नहीं कराएंगे बोलते बोलते गले हो गया 1896, कलकत्ता एकदम सही आंसर है एकदम सही आंसर है एकदम मतलब मन खुश हो गया है ना कि पढ़ाई वढ़ाई एकदम कंटिन्यू ठीक है मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं कोलकाता ठीक है एकदम सही आंसर एकदम सही आंसर है और चल हो गया इसका नहीं बताओगे तो चल जाएगा आगे पढ़ा दूंगा लेकिन ए, किसने प्रोसाइड किया था ये वाला सेशन कौन थे जिसने प्रोसाइड किया था ये वाला सेशन रसीम उल्ला सयानी जी थे या बिरर दास जी थे ठीक है मतलब मेरे को ध्यान नहीं हुआ कौन सा डी आर कोई वो थे रसीम उल्ला सयानी जी थे या कोई दूसरे जी थे कौन था दोनों में से कलकत्ता सेशन एकदम सही आंसर है और पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही है 1911 1911 में कौन सा से सेशन हुआ था भैया 1911 में तुम कलकत्ता में वंदे मातरम गाए थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया सौ 1911 चलो ध्यान दिलाई दिए हो तो एक चीज और जान लेते हैं 1911 में डिसीजन ले लिया गया था कि दिल्ली को अब दिल्ली को नई कैपिटल बना दिया जाएगा है ना और उन्नीस में बदल दिया गया था दिल्ली को नई कैप मतलब दिल्ली नई कैपिटल में शिफ्ट हो गई थी 1912 में कुछ ऐसी डेट है ना कोई याद दिला देता है तो लगता है इस डेट से ये बता दें जैसे कोई कोई अगर नाइनटीन एटी सेवन याद दिला देता है तो मेरे को एक ही बात ध्यान आती है गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया था कोई मेरे को नाइनटीन एट्टी फोर याद दिला देता है तो मेरे को एक ही बात ध्यान आती है इस डेट में भोपाल गैस डाचड़ी हुई थी ठीक है तो जब बार बार पढ़ोगे ना तो आप लोगों का भी ऐसा हाल हो जाएगा चलो 1928 में अपन अब मैंने 1924 तक करा दिया था और मैंने एक बात साफ साफ कही थी पूरे के पूरे कांग्रेस सेशन नहीं पढ़ने हैं बहुत ज्यादा कांग्रेस सेशन है ठीक है जो इंपॉर्टेंट है वो यहीं पे कवर करा दिए जाएंगे इसके अलावा कांग्रेस सेशन को टच भी मत करना और कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं ठीक है गारंटी ले सकता हूं ठीक है अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं गारंटी ले ली मैंने

साथ साथ इन्होंने सिविल डिसबीडेंस मूवमेंट को भी लॉन्च कर दिया इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज की गांधी जी ने कहा कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस बनाना शुरू करते हैं तो सबने बोला कि ये क्या है मतलब स्वतंत्र तो हुए नहीं है स्वतंत्रता दिवस का क्या करेंगे तो गांधी जी ने बोला कि ये ब्रिटिश को इटो सिग्नल जाएगा कि हम आपके गुलाम नहीं है ठीक है हम अपना देश मांगते ही रहेंगे अपना देश लेके ही रहेंगे तो गांधी जी ने कहा था कि 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस बनाना शुरू करते हैं तो तब से हमने स्वतंत्रता दिवस बनाना शुरू कर दिया था जब तक ऐसे मजाद तो 47 में हुए हैं है ना आज़ाद तो फर्टी सेवन में हुए हैं अगस्त फोर्टी सेवन को है ना लेकिन गांधी जी ने कहा जाएगा ब्रिटिश को लिखा था कि गांधी जी ने कहा था कि छब्बीस जनवरी को खूब धूमधाम सेशन बनाएंगे मतलब सबको पता लगना लग जाना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं तो इंडिपेंडेंस डे बनाना शुरू कर दिया था नाइनटीन रेजोल्यूशन के बाद डेट की बहुत इंपॉर्टेंस है इस डेट की बहुत इंपॉर्टेंस है ठीक है उसकी कहानी भी सुन लेते हैं उसकी कहानी क्या है कि हमारा जो संविधान है वो नवंबर 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 1949 को ही बन के रेडी हो गया था लेकिन नेहरू जी ने कहा था कि ये 26 जनवरी को हमने देश आजाद होने से पहले हर बार इंडिपेंडेंस डे बनाया है इसलिए संविधान 1949 में क्यों ना रेडी हो गया हो हम संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 में करेंगे क्योंकि हमको इस दिन की बहुत महत्व है, है मतलब बहुत महत्व है हमको ये दिन है ना क्योंकि 26 जनवरी को हमने अपना स्वतंत्रता दिवस बनाना शुरू किया था तो संविधान हमारा नवंबर को 1949 में ही बन गया था लेकिन 26 जनवरी को हमने इसको प्रॉपरली वो किया था कि आज से भारत आजाद है ठीक है सर छब्बीस जनवरी को रिपब्लिक डे दे होता है देखो ध्रुव शुक्ला ने कितनी नई बात बताई है ठीक है किसी को पता था छब्बीस जनवरी को रिपब्लिक डे होता है किसी को नहीं पता होगा इतना टफ क्वेश्चन था है ना इतना टफ क्वेश्चन मतलब किसी को नहीं पता होगा इसी की तो कहानी बता रहा हूं मैं ध्रुव शुक्ला है ना इसी की तो कहानी बता रहा हूं कि छब्बीस जनवरी को क्यों रिपब्लिक डे बनाते हैं लेकिन फिर भी सब लोग मतलब एक बार सब लोग तालियां बता दिए ध्रुव शुक्ला के लिए इतना मुश्किल बात बताई उन्होंने कि छब्बीस जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं है ना मतलब सच में बहुत बड़ी बात है रावण कोई दिक्कत नहीं मैंने बस मजाक के लिए बोल दिया था ठीक है मजाक के लिए बोल दिया था सर साइड हो जाइए स्क्रीन शॉट लेना है पूरा पेज कर लेना अपन थर्टी तक पहुंच चुके हैं फोर्टी तक अपन करेंगे ठीक है सच में सर नहीं पता था कोई बात नहीं दिक्कत क्या आप लोग जीके जीएस करते चलिए आप लोगों का एकदम जीके जीएस मेरा भी मजबूत होता जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरे को पता है लेकिन हाँ आप लोगों के पढ़ाने के आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं भी पढ़ के आया करूंगा और भी ज्यादा हो जाएगा एक बात आलिया हो जाए ध्रुव शुक्ला के लिए ठीक है उन्होंने ध्रुव शुक्ला ने बताया हमको आज की छब्बीस जनवरी को रिपब्लिक डे होता है ना बाप रे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में आ जाओ ये हिंदी में लिखा हुआ है एक बार हिंदी में देख लो जो लोगों को स्क्रीन शॉट लेना है, ले लो पर आज मैंने पीडीएफ लेना सिखाया है ना तो वहां पीडीएफ में ले लेना क्या है टाइम वेस्ट करते हो हिंदी वाले दिखाइए हमें भी लेना है स्क्रीन शॉट हाँ ये लो ये लो सुनाली ये रहा अच्छा इस समय सितारा लगता है एबसेंट है, है ना नहीं आ रही मुझे तो पता था सर हाँ कुछ ही लोगों को पता था कि छब्बीस जनवरी को रिपब्लिक डे होता बाकी तो बहुत ही टफ था भाई मतलब बहुत मुश्किल से मतलब पता हुआ मैं आज आपका पूरा क्लास मिस कर दी क्योंकि घर में मेहमान आ गए तो कोई बात नहीं सदफ खान आप वापस जब ना खत्म हो जाएगा तो वापस लेक्चर देख लीजिएगा ठीक है और उसी फील के साथ देखिएगा जैसे कि मैं सात बजे लाइव जुड़ी हूं तो और ज्यादा मजा आएगा चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 1937 में हमारा जो अगला सेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर से वो किया था और ये पहला सेशन था कांग्रेस का जिसको विलेज में किए थे इससे पहले क्या कांग्रेस मुंबई में कोलकाता में मद्रास में इलाहाबाद में अच्छी बड़ी बड़ी सिटी में करते थे लेकिन कांग्रेस का उन्नीस का ऐसा पहला सेशन था जो उन्होंने गाँव में किया था और इसके लीडर और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी ठीक है नाइनटीन में वन ऑफ द मोस्ट मैं आपको कहूंगा ना ये सेशन ने हिस्ट्री बदल दी बहुत लोगों को पता नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि अगर ये सेशन ठीक ठाक हो जाता ना तो शायद आज सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा होते ठीक है इसकी कहानी बताऊंगा मैं इंटरेस्टिंग सुनना ठीक है हालांकि टाइम ओवर हो गया है लेकिन क्या करें कहानी सुनने मजा आता है ठीक है नाइनटीन में हरिपुरा का सेशन हुआ था अच्छा इसके बाद वाला सेशन उसका बताऊंगा मैं उसका बताऊंगा मैं ठीक है इस सेशन के बाद क्या कहानी थी आपको पूरा बताऊंगा ठीक है 1938 में हरिपुरा का सेशन हुआ था इसके इस सेशन के हेड थे सुभाष चंद्र बोस जी ठीक है सुभाष चंद्र बोस जी इसके हेड थे और नेशनल प्लानिंग कमेटी इन्होंने मतलब गठित कर दी थी उस कांग्रेस ने क्या कह दिया था अब सरकार जैसे कि 1937 में इलेक्शन हो गए थे आप लोगों को पता है 1937 जिनको नहीं पता वो लोग जान लीजिए प्रोविंशियल इलेक्शन हो गए थे 1937 में और कांग्रेस की अच्छी खासी सत्ता थी मतलब बंगाल सिंध वाला इलाका छोड़ दो तो कांग्रेस के पास पूरी मेजॉर्टी थी तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि हम अपना प्लानिंग कमेटी बनाते हैं हम प्लान करके देश के विकास करेंगे ठीक है तो इस टाइम हमारा जो मेन मोटो था कि हम ए, ए, एक बार जो हमारा इलेक्शन में हम पार्ट नहीं लेना चाहते थे गांधी जी पूरे खिलाफ थे कि हम इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे लेकिन हमने पार्ट क्यों लिया कि हम भारतीयों को रियलाइज करा सके कि हम भारतीय भी सरकार चला सकते हैं और उनसे अच्छी चला सकते हैं तो जब इतनी कम पावर के साथ भी हमने सरकार चलाई नाइन थर्टी सेवन में बौखला गए थे कि मतलब हम अगर अपना शासन हमारे पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा तो हम कितने ज्यादा डेवलप हो जाएंगे ये ब्रिटिश हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं ठीक है तो नाइनटीन में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू जी इसको हेड कर रहे थे ठीक है अब ये वाला सेशन हो गया ये सेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ यह सेशन एकदम सक्सेसफुल हो गया सर जी सुनाइए कहानी सर जी सुभाष चंद्र बोस का अभी कुछ पता नहीं नहीं अभी तो नहीं होगा अभी तो उनका अभी तो सच में डेथ हो गई होगी मतलब अगर अभी तो इसका बहुत ही ज्यादा वो है स्टोरी सर ज्यादा देर की क्लास लाया करो प्लीज हां ठीक है लेकिन फिर वो रहेगा ना कि सब लोग कहेंगे कि सिर्फ संस्कार सर को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हम लोगों को क्यों नहीं मिलता थोड़ा बहुत फिर समझ सकते हो ना कि थोड़ा सा इंटरनल रिवॉल्ट हो जाएगा इंटरनल इमरजेंसी लगानी पड़ जाएगी ठीक है तो आप सुनो मेरी बात ठीक है नाइनटीन थर्टी एट में सुभाष चंद्र बोस जी को हेड बना दिया गया था ठीक है और सुभाष चंद्र बोस जी की नाइनटीन थर्टी एट से हवा चल रही थी मतलब सुभाष चंद्र बोस यूथ लीडर बन चुके थे यूथ लीडर मतलब समझ रहे हो ना कि जितना भी नया आदमी आता था, था कांग्रेस में उनका मतलब उनके आइडियल थे सुभाष चंद्र बोस जी होने भी चाहिए थे ऐसे पर्सनैलिटी थे सुभाष चंद्र बोस जी तो नाइनटीन में इतने यंग होने के बाद भी ये सबसे पहले तो लीडर बन गए 1939 में इन्होंने वापस कहा कि मैं लीडर बन जाता हूं क्योंकि कोई है नहीं तो मैं लीडर बन जाता हूं लेकिन गांधी जी ने आप इनका विरोध किया गांधी जी ने कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस को नहीं बनाना चाहता मैं एक अपना खुद का आदमी खड़ा करना चाहता हूं वो आदमी का नाम क्या था पी सीतारामैया पी सीतारामैया ठीक है पी सीतारामैया जी को तो गांधी जी ने

मेंबर हार गया उनका मेंबर पी सीतारामैया हार गया उनके मेंबर हार गए और वापस बोस जी जीत गए ठीक है सुभाष चंद बोस जीत गए क्योंकि वो इतने ज्यादा फेमस थे है ना तो जब बोस जी जीत गए और 1939 में उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया तो जो गांधी जी के समर्थक थे तो उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी के समर्थक खा गए हैं मतलब आपने गांधी जी को धोखा दिया है तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे तो क्या कांग्रेस दो टुकड़ों में बटने लग गई एक बोस वाला हिस्सा था एक गांधी जी वाला हिस्सा था तो बोस को कभी यह बात पसंद नहीं आई तो बोस जी ने कहा, कहा कि आप ये लड़ाई मत करो मैं अपनी खुद ही प्रेसिडेंट छोड़ देता हूं ठीक है तो बोस जी ने प्रेजिडेंट छोड़ दिया उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने नाइनटीन में अपनी खुद की पार्टी बनाई नाइनटीन में खुद की पार्टी बनाई उस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक उस पार्टी का नाम है उस पार्टी का क्या नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे कारण कांग्रेस टूट जाए क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी बन गई थी उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने कहा मेरे कारण लड़ाई मत करो मैं कांग्रेस छोड़ देता हूँ उन्होंने नाइन थर्ट टाइम में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई ठीक है नाइनटीन फोर्टी में वो सिंगापुर जर्मनी चले गए नाइनटीन फोर्टी वन में वहाँ उन्होंने हिटलर से मिले फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई मतलब बोस आप समझ सकते हो कि एक वर्ल्ड बेस्ट लीडर थे ठीक है अगर बोस जी होते तो नेहरू और बोस जी में इक्वल फाइट थी प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने ज़्यादा फेमस थे बोस जी है ना इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर नाइनटीन थर्टी नाइन में ये लड़ाई नहीं होती पी सीतारमैया वाले

लगता है सब लोग बोर हो गए तो आप कहानी अपन नहीं सुना करेंगे ठीक है लगता है सब लोग बोर हो गए सब लोग लगता है बोर हो गए बोर हो गए लगता है सब लोग लेकिन इंटरेस्टिंग है अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो रटो मत कि नाइनटीन में यह हुआ था यह हुआ था उसका रीजन जानो ऐसा क्यों हुआ था ठीक है इसलिए मैंने बता दिया तो ये था पूरा ठीक है कि तो नाइनटीन में बोस जी जीत गए थे लेकिन पीछे तरह हार गए थे उसके बाद जब उन्होंने जब बोस जी ने छोड़ दिया था कांग्रेस तो पी सी तरमैया भी के लेने के लिए ले तैयार नहीं थे वो गए थे मेरी बेजती हो गई मैं नहीं बनूंगा तो राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था और यह सेशन हुआ था त्रिपुरी में और इसी

वन में जर्मनी चले गए हिटलर से जाके मिले उसके बाद तो जापान चले गए जापान ब्रिटिश की एकदम बैंड बजा रहा था ठीक है बोस को क्या लगा जापान का समोट, सपोर्ट सपोर्ट लेके मैं ब्रिटिश को उड़ा दूंगा वो उनकी फुल प्लानिंग थी आजाद हिंद फौज उन्होंने बनाई भी फिर उसके बाद पता नहीं 1946 में ऐसी क्या न्यूज़ आती है कि बोस जी का प्लेन से एक्सीडेंट हो गया वो नहीं रहे ये मिस्ट्री है हम सबको नहीं पता लेकिन ये है पीडीएफ कैसे मैं सतेंद्र ए, वीडियो खत्म हो जाए ठीक है वापस वीडियो को स्टार्ट करना सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करते हैं सबसे स्टार्टिंग में बताया है ठीक है वहां जाके देखना नीरज भैया आप बहुत बोर हो गए तो मत देखिए ठीक है।, है एक दूसरे को मत बोलो ठीक है यहाँ पे भी तुम लोग गांधी और नेहरू वाला मत कर दो बोस वाला ठीक है एक कुछ लोग तुम मत देखो तुम बोर मत करो ये कहानी थी इंपॉर्टेंट थी इसलिए आप लोगों को मैंने बताई ठीक है इसका रीजन आप लोगों को अंदर का पता होना चाहिए तो आज का सेशन अपन यहीं तक करते हैं नौ दस हो चुका है अपन टाइम एक्स्ट्रा कर चुके हैं नाइनटीन तक कवर कर चुके हैं ठीक है अब बस कितना नाइनटीन आने वाला है वहां पे खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस सेशन के दो चार और पॉइंट है उन सबको कवर कर लेंगे खत्म हो जाएगा जो लोगों को हिंदी में स्क्रीन लेना है इंग्लिश वाले अभी ले लें हिंदी वाले ये स्क्रीन शॉट ले लें ठीक है अपन कल मिलेंगे हिस्ट्री के और अच्छे मतलब कुछ चीजें और बच गई है ना थोड़ी बहुत चीजें उसको कवर करेंगे और कल आप लोगों को एंशंट इंडिया पढ़ के आना है हिंदी वाले सुन लो प्राचीन काल हिंदी वाले क्या सुनो प्राचीन काल और अ, मेडिवल इंडिया पढ़ के आना है मतलब मध्यकालीन काल मेडिवल इंडिया मध्यकालीन काल ठीक है मध्यकालीन काल

सर मेरे टैबलेट और लैपटॉप पर पीडीएफ नहीं खुल रहा है खुल जाएगा शायद नेट प्रॉब्लम होगा लेकिन उसी तरीके से पीडीएफ खुलेगा ठीक है हिंदी वालों सुन लो हां हिंदी वाले सुन, हाँ सब लोग दोनों वाले हिंदी वाले इंग्लिश वाले भी ठीक है आजाद हिंद फौज को स्टैब्लिश राज बिहारी बोस ने किया था अरे तो बोस जी को कैप्टनसी दे दी गई थी ठीक है अरे ठीक है इसका ही बता लेते हैं अब पूरी कहानी से नहीं लेते हैं ठीक है बोस जी ने नहीं किया था आजाद हिंद फौज उनको सितंबर में क्योंकि वो इतने प्रभावशाली लीडर थे सेप्टेबर में उन्होंने उन्होंने लीडरशिप ले ली थी उनको मतलब राज बिहारी बोस जी ने लीडरशिप दे दी थी बोस जी को कि अब आप संभाली आजाद हिंद फौज को ठीक है उन्होंने स्टैब्लिश नहीं की थी मैंने क्या कहा था उन्होंने ज्वाइन की थी उन्होंने स्टैब्लिश क्या किया था फॉरवर्ड ब्लॉक किया था तो आज के लिए इतना ही कल आधुनिक काल पर क्या आधुनिक ने सॉरी प्राचीन काल पढ़ के आना मध्यकालीन पढ़ के आना इंग्लिश वाले सुन लो सीबीएसई वाले कल आपको एंशियंट इंडिया पढ़ के आना है और मॉडर्न इंडिया मॉडर्न नहीं मेडिवल इंडिया पढ़ के आना ठीक है मॉडर्न इंडिया अपन का हो चुका है गुड नाइट सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना बच्चा कुच्चा जो भी रहेगा पीडीएफ में सब कुछ कवर करा देंगे और लाइक तो कर ही दिया करो ठीक है इतने में तो पैसा भी नहीं खर्च होता एक और बात आप लोग अब लड़िए मत ठीक है कि आजाद हिंद फौज किसने स्टैब्लिश की थी कल आपको क्लियर कर देंगे है ना और आज प्यारी बॉस जी ने नहीं की थी इसका मैं साफ साफ बता दूं चलिए ठीक है अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा